दोस्तों 3:41 हो गई है और 5 फरवरी फ्राइडे 5 फरवरी 2021 3:41। सबसे पहले डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं, क्योंकि आज वीक भी क्लोज हो गई है, वीकली क्लोजिंग भी आ चुकी है। तो आज हम डेली, वीकली और मंथली चार्ट तीनों देखेंगे निफ्टी का, और टेक्निकली देखना चाहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, आप ये पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, जरूरी है। चलिए सबसे पहले निफ्टी पे डेली चार्ट पे हम लोग जाएंगे, उसके बाद एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुन के सीखने के भी प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले डेली चार्ट पे आए हम लोग, डेली चार्ट पे आप देख सकते हो एक स्पिनिंग टॉप बना है, वो भी बियरिश स्पिनिंग टॉप बना है। बियरिश स्पिनिंग टॉप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की ओपनिंग से आज की क्लोजिंग नीचे है, तो कहीं ना कहीं आज की जीत बियर्स की हुई है, नॉट बुल्स की। क्योंकि आज की ओपनिंग थी 952 और आज का हाई है 15,014.65, जो कि लगभग लगभग 24 मार्च का जो बॉटम था हमारा, 24 मार्च 2020 का जो बॉटम था 7,511, ऑलमोस्ट उसका डबल है, क्योंकि 7,511 का डबल होता है 15,022, तो उससे सिर्फ 6 या 7 पॉइंट या 8 पॉइंट रह गया था। तो डबल उसने, निफ्टी ने आके दिखाया विद इन ए ईयर, लेस देन ए ईयर, ठीक है, पहली बात, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक बात है, वो भी इस माहौल में जहाँ एवरी मार्च के बाद एवरी मंथ पीपल वेर एक्सपेक्टिंग कि अप फॉल आएगा, अप फॉल आएगा। इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर, बट मार्केट डिड समथिंग अनयूजल, अनएक्सपेक्टेड, एंड इट केप्ट ऑन गोइंग अप एंड अप। लेकिन अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आज का दिन बीएस जीते हैं, क्यों, 952 का ओपनिंग था, 15,014 का हाई था, और अपने हाई से आज के दिन ये 80 पॉइंट नीचे क्लोज किया है, अपने हाई से, आज के दिन के हाई से। अगर ये स्ट्रांग होता, सुन लीजिए, एक दो चीज़ आपको सीखने भी मिल जाएगी इसको, अगर ये स्ट्रांग होता तो आज की क्लोजिंग आनी थी 980 से लेके 15,000 के बीच में, 980 के बीच में, 980 से। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि ये वीक हो गया, लेकिन अगर इसको स्ट्रांग क्लोजिंग देनी थी तो आज 980 से लेके 15,000 के बीच में देनी थी, क्योंकि इसका टॉप बनाया आज इसने 15,014.65 रुपया। तो इसको क्लोजिंग अपने हाई से 80 पॉइंट नीचे नहीं देनी चाहिए अगर ये स्ट्रांग है, ठीक है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट कि आज की ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे है, यानी कि रेड कैंडल, इन स्पाइट ऑफ सच्चे मूव इट इज़ ए रेड कैंडल, नंबर दो पॉइंट। और नंबर थ्री, टॉप पे एक स्पिनिंग टॉप, एक बियरिश पैटर्न है टॉप पे बनना, लेकिन इस बियरिश पैटर्न का जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक आप बियरिश होना गलत हो जाएगा। कैसे कंफर्मेशन आएगा, आज का जो लो होता है, इस स्पिनिंग टॉप का जो भी लो होता है, ये स्पिनिंग टॉप बना आज टॉप पे बना, एकदम टॉप पे स्पिनिंग टॉप, और वो भी बियरिश बनना, रेड कलर का बनना, अपने आप में एक बियरिश रिवर्सल का साइन होता है, बियरिश रिवर्सल का एक साइन होता है। लेकिन कब होता है ये साइन कंफर्म, जब वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन आज के लो के नीचे मार्केट क्लोज करे, आज के लो के नीचे विदाउट ब्रीचिंग टूडेज हाई। रूल पूरा सुन लीजिए, इसका रिवर्सल कंफर्म कब होता है, कंफर्म कब होगा कि ये बियरिश रिवर्सल होने वाला है, ये कब कंफर्म होगा, जब आज का जो लो बना 864 उसके नीचे मंडे के दिन मार्केट क्लोज करे विदाउट ब्रीचिंग, यानी कि विदाउट ब्रेकिंग टूडेज हाई ऑफ 15,015। यानी कि अगर मंडे को मार्केट 15,015 का हाई नहीं तोड़ता है और अपने आप को क्लोजिंग देते वक्त 864 के नीचे आता है, तो एक बियरिश रिवर्सल का साइन हो जाएगा और इसका कन्फर्मेशन हो जाएगा स्पिनिंग टॉप का, लेकिन ये मंडे को ही पता चलेगा। आज अगर आप देखो तो कन्विंसिंगली बुलिश कैंडल नहीं है जैसा यस्टरडे थी।
यस्टरडे देखिए खाली बॉडी बॉडी आपको ज़्यादा दिख रही है और वीक की साइज़ बिल्कुल नीचे की तरफ है, खाली ऊपर वीक ही नहीं है यस्टरडे की कैंडल में। लेकिन आज की कैंडल में दोनों साइड की वीक बड़ी है और बॉडी जो है बीच में बहुत छोटी है, बॉडी इज स्मॉलर। दैट मीन्स समवेयर बुल्स थक गए हैं यहाँ पे, या एक रेस्ट लेना चाहते हैं, या एक वापस से थोड़ा मोड़ा करेक्शन करना चाहते हैं, ये आज की कैंडल हमको सिखा रही है। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक पैटर्न बनाए थे, जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन, आपको याद होगा कि अगर ये बजट वाले दिन लोग किस पोजीशन में थे, और उस दिन भी मैं यही बात कर रहा था कि टॉप बनेगा वापस से, तो अगर मैं यहाँ आप लोग को नहीं कन्वर्ट करता तो लोग बुरी तरह मर जाते थे, क्योंकि बजट के एक दिन पहले मार्केट क्लोज हुआ था 13,634 फ्राइडे को, उस लास्ट फ्राइडे को। तो आज 13,634 से एक ही फ्राइडे में ये कहाँ पहुँच गया, 14,924 पे। मतलब अपने पिछले फ्राइडे की क्लोज से ये 1300 पॉइंट के लगभग तेजी से बंद हुआ, पिछले फ्राइडे की क्लोज से। पिछला फ्राइडे की क्लोज थी इसकी कितनी थी, 13,634, और आज की क्लोज है 14,924, यानी कि लगभग लगभग 1290 एग्जैक्टली पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। वीकली बेसिस इसने 1290 पॉइंट का गेन दर्ज किया है, तो वीकली कैंडल तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इसका मतलब। डेली कैंडल आपको दिख रही है, क्लियर कट एक स्पिनिंग टॉप है। देखिए पिछली कल यस्टरडे की कैंडल में क्या था, बॉडी का साइज़ ग्रीन कलर की बॉडी है, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, वीक खाली नीचे की तरफ थी, ऊपर की तरफ एकदम हल्की सी थी। आज का दिन जो देखोगे आप, तो दोनों तरफ की वीक बड़ी है और बॉडी बिल्कुल भी छोटी है, यानी कि वीकनेस का साइन है, रिवर्सल का साइन है। लेकिन ये रिवर्सल कब कन्फर्म होगा, जब इसका लो के नीचे कल क्लोज करता है मंडे को विदाउट ब्रीचिंग दिस हाई। तो ये हो गया डेली में। अब डेली में कुछ लोग बोलेंगे ये पैटर्न टूट गया, पैटर्न भी नहीं टूटा हुआ मान सकते जब तक कि इसके ऊपर ग्रीन या वाइट कलर की कैंडल क्लोज नहीं हो जाए इस लाइन के ऊपर। आज क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल का ऐसा पहलू सिखा रहा हूँ जो शायद आपको बाकी लोग, बहुत कम लोग सिखाएंगे। वो क्या है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है तो इट शुड बी ए ग्रीन और वाइट कैंडल। किसी किसी सॉफ्टवेयर में वाइट कैंडल होती है जैसे चार्टिंग में होती है, और किसी किसी में जैसे इस इन्वेस्टिंग में ग्रीन होती है। तो अगर आज की कैंडल ग्रीन कलर की होती है रेड कलर की बजाय, तो हम ये मान लेते हैं ये लाइन ब्रेक हो चुकी है, लेकिन स्टिल द लाइन इज नॉट ब्रोकन। लेकिन अब जो शेप है, जो शेप हम लोग चाह रहे थे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है, क्योंकि वो शेप तभी इंटैक्ट रहता जब आज का कोई भी हाई बनाता लेकिन इसके अंदर आके क्लोज होता। तो क्लोज इसके अंदर नहीं हुआ, लेकिन आज की कैंडल इज नॉट ए कन्फर्मेशन ऑफ ए ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट आप बिल्कुल भी नहीं मान सकते, क्योंकि कल डॉट इस लाइन पे क्लोज हुआ था, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर इस लाइन पे क्लोजिंग। लेकिन आज इस लाइन के ऊपर जरूर क्लोज हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं मानी जाती है जब ब्रेकआउट का मामला आता है। ठीक है, आज एक कन्फ्यूजिंग डे रह गया, और लास्ट के आधे घंटे में इसने कुछ जानबूझ के यहाँ पे क्लोज किया। आपने देखा होगा 900 के नीचे भी था लास्ट के आधे घंटे में, और वापस से इसने 924 के ऊपर क्लोज किया एवरेज क्लोजिंग। तो समवेयर आज बियर्स की एक छोटी मोटी सेंटिमेंटल जीत है, लेकिन फिगर वाइज देखो तो आप पिछले हफ्ते से, तो यहाँ पे मैंने आपको आगाह कर दिया था कि बहुत बड़ी तेजी आ सकती है और आ गई। लेकिन मैंने, मेरा सोच था कि इसके बाद पहले यहाँ लाके फिर 16,100 जाना चाहिए। तो अभी भी मैं बोलता हूँ, अभी भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। जिसको भी टेक्निकल आता है उसको पूछ लेना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कन्विंसिंग ग्रीन कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती है, एक्चुअली नियम होता है दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग का, टू कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल शुड बी क्लोज्ड अबव दिस ट्रेंड लाइन, सो दैट वी कैन अज्यूम दैट दिस ट्रेंड लाइन हैज बीन ब्रोकन। बट टिल डेट नॉट ए सिंगल ग्रीन कैंडल हैज बीन क्लोज्ड। लेकिन हमने जो स्टॉप लॉस सोचा था 918, उसके ऊपर जरूर आज क्लोज हुआ है। तो टेक्निकल सर, और आज की कैंडल आपको दिखा दे रही है अपने आप में एक कन्विंसिंग कैंडल नहीं है, यानी कि
कहीं ना कहीं ये कैंडल अपने आप में वीकनेस दर्शा रही है, या साइन ऑफ एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब एग्जॉस्टेड। तो निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है इतनी बड़ी तेजी के बाद, क्योंकि ये लगभग लगभग 1300 पॉइंट भाग चुका है उस दिन की क्लोजिंग के हिसाब से जो फ्राइडे की थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी के वीकली चार्ट पे। चलिए यहीं पे वीकली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। वीकली कैंडल देखिए आप कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। तो वीकली बेसिस आज बहुत तगड़ी क्लोजिंग हुई है। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल शायद आपने किसी पिछले कितने साल में आपने नहीं देखी होगी। मैं दिखा सकता हूँ, किसी भी वीक में इतनी बड़ी कैंडल आपने कितने कितने दिनों में नहीं देखी होगी। आज इस वीक की करते मैं यहाँ पे एक सेकेंड, इसको हटाई देता हूँ, यहाँ दिखा दूँगा। ये वीकली चार्ट है, इतनी कैंडल्स है। देखिए मैं 3 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी इतनी बड़ी कैंडल व्हाइट कलर की नहीं है, क्योंकि अभी हम चार्टिंग पे देख रहे हैं। और इतनी बड़ी व्हाइट कैंडल, ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। एक वीक में इतनी बड़ी तेजी हमने नहीं देखी, 1300 पॉइंट की तेजी एक वीक में। वीकली बेसिस कितना चेंज आया, 9.46%। 9.46% निफ्टी इस वीक में गेन से बंद हुआ है। तो वीकली कैंडल इज सेइंग कि बहुत बड़ी तेजी इस वीक में, और ये बहुत बुलिश कैंडल बनी है वीकली। लेकिन डेली क्या बता रही है हमको कि ये बिल्कुल भी एक वीक कैंडल बनी है डेली में। डेली क्यों वीक बता रही है, क्योंकि एक स्पिनिंग टॉप बना है, वो भी बियरिश स्पिनिंग टॉप बना, वो भी टॉप पे बना है। ठीक है, तो डेली बता रही है वीकनेस, वीकली बता रही है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल। लेकिन एक बहुत बड़ी वीकली कैंडल है, तो एक करेक्शन की गुंजाइश जरूर बनती है, जो कि इसके 50% लगा के दे सकती है निफ्टी को। इसका 50% कितना है, इस कैंडल का अगर हम 50% निकालें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है 14,360। तो अब ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए, 14,360 आप लोग लिख सकते हो। 14,360 विल एक्ट एज ए ह्यूज 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 सपोर्ट नेक्स्ट वीक। इसके नीचे जाने के बाद ही पूरा का पूरा बीयर्स टेक ओवर कर लेंगे इस कैंडल का 50%, जो इतनी बड़ी वीकली कैंडल बनी। 14,360 है या कितना है? देख लेते हैं, एग्जैक्टली देख लेते हैं इसको। एग्जैक्टली देखने का तरीका कैसे होता है, मैं लगभग बता रहा हूँ, 360 ही आएगा लगभग। फिर भी आप कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं इसको कैसे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिंपल है, वीक की ओपनिंग और वीक की क्लोजिंग। वीक की ओपनिंग कितनी थी, 13,758, माइनस वीक की क्लोजिंग कितनी है, 14,924 डिवाइडेड बाई 2,583 पॉइंट्स। तो 13,758 में 583 पॉइंट्स जोड़ देते हैं तो ये कहीं ना कहीं 14,350। तो 14,341 दिखा रहा है, 360 एक बहुत बड़ा बेस सपोर्ट है 360 नेक्स्ट वीक के लिए। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होने जाए तो फिर और बड़ी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन यहाँ तक अगर नेक्स्ट वीक कुछ किसी भी कारण से बेयरिश होगी तो निफ्टी यहाँ तक आ सकती है नेक्स्ट वीक में। अगर निफ्टी किसी भी कारण से बेयरिश होगी, क्योंकि डेली कैंडल कहीं ना कहीं एक बेयरिश साइन देके गया है, डेली कैंडल हमको एक कहीं ना कहीं एक बियरिश साइन देके गया है। तो नेक्स्ट वीक अगर ये रिवर्सल करती है, बियरिश रिवर्सल स्पिनिंग टॉप के थ्रू, तो 13,360 एक बड़ा बेस हो जाएगा, 14,360 कैसे हो जाएगा, इस वीकली इतनी बड़ी वीकली जायंट वीकली कैंडल का 50%। ठीक है, ये इसका बेस हो जाएगा बेस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मंथली चार्ट पे।
मंथली चार्ट हमको क्या बता रहा है, ये देखिए, ये 7511 निफ्टी आया था जो मार्च में 2020 के मार्च में इस तरह से आया था 7511, ये ऐसे डबल हो गया 15,014 जाके। तो अब इसमें अगर फिबोनाची सीरीज को देखूं मैं, अगर आज के टॉप को टॉप मान लूं, एज्यूम करते हैं कि आज का टॉप ब्रीच नहीं होता मंडे को किसी भी कारण से, तो इसमें अगर मिनिमम करेक्शन 23.6% आता है फिबोनाची का जो इस टोटल राइज का, तो वो इसको बता रहा है 13,241, 13,000। लेकिन ये सब बातें तब होगी जब आज का हाई नहीं टूटे मंडे को, क्योंकि डेली चार्ट में हमको एक स्पिनिंग टॉप बना बियरिश, लेकिन आज के हाई के ऊपर डिपेंड करता है। आज का हाई अगर ब्रेक नहीं हो और आज के लो के नीचे मार्केट क्लोज कर जाए, आज का लो था कितना 864, तो उसके नीचे क्लोज कर जाए विदाउट ब्रीचिंग टुडेज हाई ऑफ 15,015, देन वी कैन से कि पहला टारगेट हम लोग का, एक बड़ा टारगेट लेना है तो 13,400 के आसपास का ले सकते हो, सॉरी 14,400 का आसपास का, सॉरी 14,400 का नेक्स्ट वीक में। और अगर फिबोनाची को आप मानते हो तो अगर ये हाइट रह जाता है एज इट इज, क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया है कि 7,511 लो है और 15,014 आपका हाई है, तो उसका 23.6% आता है रिट्रेसमेंट 13,240 के आसपास। तो दोनों पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक, सब्जेक्ट टू टूडेज हाई इज नॉट ब्रोकन। सो दिस इज प्योरली टेक्निकल। और अगर मैं फिगर वाइज जाऊँ, क्योंकि फिगर मैंने 918 क्यों बताया, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, लेकिन कैंडल वाज नॉट कन्विंसिंग, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फिगर ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक हो गया, लेकिन कैंडल वाज, जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया आज की डेली कैंडल ने, दैट वाज नॉट एट ऑल कन्विंसिंग। दैट्स इट, आज का निफ्टी का एनालिसिस ये, और कोई डिटेल वीडियो होगा तो कल सुबह बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको इसका समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा लाइक्स देके मुझे हौसला अफजाई करिएगा। तो कल का वीडियो जो भी बनेगा उसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड कोई दो पर्टिकुलर स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए मैं बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके दूंगा, बट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लाइक्स आई गेट इन दिस वीडियो। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।